वेलकम टू नुआनाई, दिस इज निर्मल। शायद आपने सुना नहीं है, उड़ीसा के हृदय में बसे एक छुपे हुए सर्क। आज हम इस मनमोहक स्थल की ब्यूरी और राज को खोलेंगे जो आपको स्पीचलेस करने वाली है। नुआनाई एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने कैनवास को जीवन रंगों से रंगती है। पन्ने के हरे जंगलों से लेकर शांत नुआनाई नदी तक इस सर्क का हर कोने दिखने लायक है। नुआनाई सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है। इस जगह की शांति और सुंदरता बेजोड़ है। सातकोसिया को अलविदा कहकर हम अब नुआनाई जा रहे हैं, जो सातकोसिया से लगभग 146 किलोमीटर दूर है। ये एक लंबा रास्ता है और इसमें काफी समय लगेगा। नुआनाई जाने के लिए पुरी की मेरीन ड्राइव रास्ता से जाना होगा। हम अब नुआनाई पहुंच गए हैं। आज को नुआनाई नेचर कैंप में नाइट स्टे करेंगे। ये मेन गेट से लगभग 3 किमी अंदर है। बुकिंग? हाँ, बुकिंग है ना। हाँ, मैंने फोन किया था, देर हो गया। सफर काफी लंबा था, इसलिए सुबह 8 बजे निकलने के बावजूद भी यहाँ पहुँचने में करीब दोपहर के 2 बज गए। यहाँ चेकिंग करने के बाद हम सीधे लंच करने जा रहे हैं। हमें बहुत भूख लगी है और ये हमारा आज का लंच है नुआनाई नेचर कैंप में। आप देख सकते हो घर का खाना लग रहा है। अरे यार देखो तो, यहाँ कौन है? यहाँ कई पालतू हिरने हैं। उन्हें इतने करीब से देखना बहुत अच्छा है, लेकिन वे हमें डरते नहीं हैं। So right now we are at Nuanai Nature Camp. In the midst of wild nature, you can see the beauty of this place. It's quite very beautiful. If you love the nature, you will be amazed. And we are in the in front of Nuanai River. You can see the beautiful view of this place. It's so serene and seems to be no one come, just crazy people like ours come here to enjoy silent joy, this beauty of this place. आपको शायद लगेगा क्या है यहाँ पर, ये तो सिर्फ एक नदी है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिवर समंदर के नज़दीक है और कुछ दूर पर कॉन्फ्लुएंस भी है। दिस इज जेलीफिश। ओह जेलीफिश। अभी आपको इस जगह की खूबसूरत रियल व्यू दिखाते हैं। नुआनाई नदी की शाखाएं भार्गवी नदी से निकलते हैं, जो महानदी की एक सहायक नदी है। बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी की प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है। ये जगह बे ऑफ बंगाल और नुआनाई नदी की करीब कन्फ्लुएंस पॉइंट है, जो ग्रीन कोस्टल फॉरेस्ट द्वारा घिरा हुआ है। अभी शाम होने वाली है, चारों ओर की नजारे कितनी खूबसूरत लगता है। और उस साइड जो आपको दूर दिख रहा है ना, उस साइड ही शायद सी होगा, सी बीच मिलेगा हमको।
इस साइड से बोटिंग होती है। बीच साइड की ओर जा रहे हैं, यहाँ से दूर तो है, देखते हैं कितना दूर है। अभी जाने के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है, अगर होता तो बहुत अच्छा होता। और ये नेचर ट्रेल है नुआनाई कैंप का, देखते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ आके कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लगभग शाम होने वाली है और ये ट्रेल हमें पता नहीं है, ट्रेक करके जाना होगा सी बीच के नज़दीक जाने के लिए। हमने रिस्क नहीं लिया, साथ में बच्ची है, इसलिए वापिस चले आए मेन रोड पे। कल हम सुबह जाने का कोशिश करेंगे। इफ यू टुडे लव नेचर यू विल बी फाइंड ब्यूटी एवरीवेयर। राइट नाउ आप बालूखंड सी बीच की ब्यूटीफुल एरियल व्यू देख सकते हो, जो नुआनाई कैंप से लगभग 2 किमी की दूरी पर है। ये बालूखंड सी बीच बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी के अंतर्गत उड़ीसा में है। ये सेंचुअरी का टोटल एरिया 87 स्क्वायर किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल कोस्टल एरिया में पुरी और कोणार्क के बीच स्थित है। इस सेंचुअरी में सैंडी बीचेस, कोस्टल ड्यून्स शामिल है। 1916 से 17 तक यहाँ पर कैजुरीना ट्रीज, कैजू प्लांटेशन किया गया था। यहाँ पर प्राचीन नेटिव फ्लोरा बहुत ही कम रह गए। आप देख सकते हो ये बीच बिल्कुल सुनसान है, बहुत ही कम लोग आते हैं इधर। अगर आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो इस ब्यूटीफुल नेचर के साथ तो ज़रूर आना चाहिए इधर। ये देखो अंधेरा हो गया, हम बीच से वापस आ रहे हैं। ओ नुआनाई कैंप के लिए देखो या। और मैं हूँ यहाँ अंधेरा में, अंधेरा कायम हो। तो ये है आज का हमारा एकोमोडेशन, कल सुबह इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और ये है नाइट व्यू यहाँ का। दूर से समुंदर की आवाज आ रही है। और ये है हमारा आज का डिनर, आप देख सकते हो चिकन रोटी सब्जी और स्वीट है। सो दिस इज सेकेंड मॉर्निंग एट नुआनाई नेचर कैंप। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा जंगल ट्रेल यानी नेचर ट्रेल का जर्नी। आप देख सकते हो यहाँ पर एक गेट है, लेकिन ये तो बंद है। मैं उस साइड पर वहाँ से जाऊँगा। ये ट्रेल एकदम नदी के मुहाना तक गया है, आप देख सकोगे। वहाँ पर जाके कुछ अच्छा सा शॉट लेंगे, ड्रोन भी फ्लाई करेंगे। मॉर्निंग में जब आप नेचर के करीब जाते हो ना, सब कुछ एकदम फ्रेश लगता है और आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डीप इनटू द जंगल। यहाँ पर तो अब तक कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन इस बालूखंड वाइल्ड लाइफ में स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, मंकी, स्क्विरल, स्ट्रिप्ड हाइना, जैकल, वाइल्ड कैट्स और मांगूस भी देखे जा सकते हैं। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन यार, आप देख सकते हो। काफी शांत है माहौल, सिर्फ पंछियों और पतंगों की आवाज हम महसूस कर। जंगल का एक रूल होता है और आपको उस रूल के हिसाब से जाना चाहिए चुपचाप। अभी तो 1 किलोमीटर हो गया, एकदम चले आए। यहाँ लोग काफ़ी गंदा कर चुके हैं, ये जगह साफ सुथरा होना चाहिए था, लेकिन लोग यहाँ आके पॉलिथीन फेंक के गंदा कर दिया। ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि नेचर को क्लीन रखना हमारा जिम्मेदारी है, नहीं तो ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा।
और ये तो काफ़ी टूट चुका है, ऊपर से तो जा नहीं पाएंगे, जाने का ज़रूरत भी नहीं है, नीचे से जा सकते हैं। और ये जगह का नाम है बेलडाल। एक्चुअली यहाँ से नदी की मुहाना एकदम नज़दीक है, आपको जरूर दिखाएंगे। और ये देखो भैया, ये जेली फिश है। तो आप इधर नुआना रिवर को देखिए, दिखने में क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। और ये सुबह का 8:30 हो गया, देखिए यहाँ का व्यू। और इस तरफ देखो, यह रिवर का व्यू इतना बड़ा है, लगता है यही सी है, लेकिन नहीं, ये नुआनाई रिवर है। और उस तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे ना, वहाँ से मैं आया हूँ। एक्चुअली मैं कल नुआनाई नेचर कैंप में थे, आज भी है। सो यार मैं यहाँ पर हूँ अभी, आप देख सकते हो, ये हमारा सामने ये है नुआनाई रिवर, द ब्यूटीफुल नुआनाई रिवर। और ये है बे ऑफ बेंगल, ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ नुआनाई रिवर एंड बे ऑफ बेंगल। बाय। यहां पर कुछ पल बिताने के बाद जो यादें बन गए ना, वो सारे जिंदगी भर के लिए हृदय में बस जाएंगे। ये विशाल नुआनाई नदी और समंदर के साथ मिलना वाकई खूबसूरत लगता है। अगर आप यहाँ से सनराइज देखोगे ना, और भी अच्छा लगता है। और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट नुआनाई नेचर कैंप में। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर हूँ ब्रेकफास्ट खाने के लिए, और खाना खाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे पूरी की ओर। ये है कॉटेज नंबर 4, हम लोग यहीं पर कल रात थे। और ये है नुआनाई नेचर कैंप, यहाँ पर और भी सारे कॉटेज हैं, लगभग 14 कॉटेज अवेलेबल है इधर। और बुकिंग या टोटल प्राइस वगैरह के लिए मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। और यहाँ का माहौल देखिए आप, ये स्विस कॉटेज टेंट है, एसी कॉटेज टेंट, और इसका प्राइस है दो लोगों के लिए 5,112 रुपीज़। और ये ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर एक मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, और इस साइड से आपको बाथरूम की तरफ जाना होगा। और ये है बाथरूम,
एकदम इंतज़ाम बढ़िया है, गीज़र भी अवेलेबल है, हॉट वाटर मिलता है। प्राइस के हिसाब से तो सब कुछ अच्छा है। ये नुआनाई नेचर कैंप पूरी टाउन से लगभग 7 किमी की दूरी पर है। जैसे हमने बताया था, एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर यह स्थित है, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और बिल्कुल पास में नुआनाई रिवर बहती है और 2 किमी की दूरी पर बे ऑफ बंगाल और नुआनाई कॉन्फ्लुएंस भी है। 2017 में इनॉग्रेशन के बाद 2019 में साइक्लोनिक स्टॉर्म फोनी ने इस नेचर कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दी और फिर से इस नेचर कैंप को रेस्टोर किया गया। और यहाँ पे काफ़ी हिरने हैं, आप देख सकते हो, ये पालतू हिरने हैं, यहाँ पर रहते हैं। और ये डाइनिंग प्लेस है और ये बोटिंग का साइट है। हम कल और आज भी इधर जा चुके हैं और सामने है वो नुआनाई रिवर। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए तो ज़्यादा कुछ इंतज़ाम नहीं है, यही है साइड। और भी टेंट है, कॉटेज है यहाँ से, ये सब कॉटेज परमानेंट जैसा है एकदम। यहाँ से नुआनाई रिवर का व्यू दिखता है और यहाँ पर एक वॉच टावर है, इधर भी गेस्ट लोग रह सकते हैं लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं है, जो ऑफिसर रेंज का उन लोगों के लिए। और इन सब के बीच में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, this is blue beach, you can see it's so gorgeous.